हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर ऑन एजुकेशनल ऐप एपीएस साइंस का ठुमर। तो बच्चों चैप्टर नंबर 9 यानी चैप्टर नंबर 1 टू 9 विद न्यूमेरिकल्स ऑब्जेक्टिव एज वेल एज न्यूमेरिकल्स जो बुक के पीछे हैं वो हम सब कर चुके हैं विद न्यूमेरिकल्स कंप्लीटेड। ठीक है, तो 9 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, क्लियर। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10। 9 चैप्टर हम कर चुके हैं तो आप बिल्कुल मेहनत करिए, रिवीजन करिए, ठीक है, क्योंकि देखो अभी कुछ पता नहीं है, एग्जाम तो आपको पता होंगे ही, अब वो कब होते हैं उसके हिसाब से आपको अब टाइम दिए, क्योंकि आपके पास अब देखो दिसंबर जाने वाला है और मई का बोल रहे हैं वैसे एग्जाम का, तो अब आपको साथ साथ चलना है, क्लियर है ना। क्योंकि आपका जो फर्स्ट पोर्शन है फिजिक्स का, जो 10 चैप्टर का सेट होता है वो फिजिक्स फर्स्ट में आता है एक तरीके से, ओके। तो वो आपका पूरा होने वाला है, लास्ट चैप्टर बचा हुआ है फिजिक्स फर्स्ट में। तो शुरू करेंगे आज हम चैप्टर नंबर 10, क्लियर, ओके। तो आप साथ साथ पढ़ते रहे, न्यूमेरिकल्स करते रहे, सारे एग्जांपल वगैरह करते रहे। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 10। तो चैप्टर नंबर 10, ओके बच्चों, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिंग करंट, ओके, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा, ये चैप्टर का नाम है हमारा प्रत्यावर्ती धारा, क्लियर है। चैप्टर नंबर 10 अल्टरनेटिंग करंट। तो बच्चों ये तो आपको पता ही है कि ये हमारी फिफ्थ यूनिट है, मैं थोड़ा रिमाइंड करा दूं आपको, यूनिट नंबर फर्स्ट जो हमने पढ़ा है उसमें चैप्टर 1 टू 4th हमने पढ़े, चैप्टर 1 टू 4th यूनिट फर्स्ट में। यूनिट सेकेंड में हमारा चैप्टर था 5th और 6th। यूनिट थर्ड में हमारा चैप्टर था सिंगल 7। यूनिट फोर्थ में था चैप्टर नंबर 8। तो ये हमारी यूनिट 5 चल रही है जिसमें चैप्टर नंबर 9 और 10 है। 9 हम पढ़ चुके हैं ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और ये चैप्टर नंबर 10 है आपका, यूनिट 5 में है। दोनों मिलाकर मार्क्स आपको पता है कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 7 नंबर के। तो यूनिट नंबर 5 का 10th चैप्टर, तो 5 यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी, यानी 50% कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर है बच्चों। देखो आज थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे क्योंकि इसमें रिडक्शन भी हुआ है थोड़ा सा, ठीक है, नए सिलेबस के हिसाब से। तो आप जब भी आप चैप्टर लिखते हैं अपने रजिस्टर में तो उसमें आप सिलेबस में नया लिख लें, कोई भी चैप्टर आप शुरू करते हो तो उसमें जो उस चैप्टर शुरू होने से पहले आप उसका जो नया वाला सिलेबस है जो बोर्ड के अनुसार हमें मिला है वेबसाइट पे जो है वो आपके पास होना चाहिए, उसी के हिसाब से प्रिपरेशन करनी है हमें, ठीक है ना। तो आज थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा, ओके। तो बच्चों देखो धारा तो आपको मालूम है, अगर बात करें हम विद्युत धारा, ये हम पढ़ भी चुके हैं, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो विद्युत धारा हमें पता है कि विद्युत धारा का मतलब होता है आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज I = dQ/dt, आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं, I = क्या होता है, dQ/dt, ठीक है। तो एकांक समय में जितना आवेश प्रवाहित हो जाएगा उसे हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। आपको यह भी पता है कि धारा में परिमाण भी है और धारा की जो दिशा होती है वो बैटरी के प्लस से कहां होती है बच्चों, माइनस की ओर होती है, ठीक है। धारा में परिमाण भी है, धारा की दिशा जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होती है, लेकिन ये सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है, ये ठीक है। इसलिए धारा कैसी राशि होती है, स्केलर यानी अदिश राशि होती है। ये सब थोड़ी बेसिक बातें आपको पता है,
धारा कैसी राशि होती है? अदिश, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि क्या है, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, एकांक समय में जितना आवेश प्रवाहित हो गया उसे करंट कहेंगे। जैसे मान लो कोई हमारे पास तार है, ये मान लो कि तार है, तो यहां क्रॉस सेक्शन की बात होती है कि इससे कितना फ्लो हो रहा है। मान लो कोई तार यूनिफॉर्म नहीं हो, ऐसा मान तार हो, मान लो ऐसा तार है, इस तरह का तार हो, तो अब धारा तो मान लो यहां भी प्रवाहित हो रही है, समझ रहे, चार्ज इस तरह जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, मान लो इस तरह, तो यहां सदिश की बात नहीं होगी। अगर आप सदिश की बात करोगे तो हमें नहीं मिलता इसमें करंट, तो हम यहां कोई भी क्रॉस सेक्शन ले सकते हैं, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो ऐसा नहीं एक इधर जा रहा है किधर जा रहा है, तो अपन रिजल्टेंट करंट निकाल ले। तो सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती धारा, वो धारा कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। अब देखो दिशा के आधार पर, परिमाण तो है ही इसमें, दिशा के आधार पर हम धारा को दो भागों में बांट सकते हैं। दिशा के आधार पर धारा को हम दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला उनमें से अगर मैं बोलूं तो ये होता है बच्चों दिष्ट धारा, क्या बोलते हैं इसको, दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट यानी डीसी, क्या बोलते हैं इसको, डीसी। और दूसरी वाली जो करंट होती है उसे बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी, क्लियर है। तो दिशा के आधार पर हम धारा को दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, एक तो दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट डीसी और दूसरे अल्टरनेटिंग करंट एसी। तो हम एसी को पढ़ेंगे, चैप्टर हमारा एसी है, तो थोड़ा अपन एक बार डीसी को देखें। देखिए तो थोड़ा स्टार्ट करते हैं हम, देखो दिष्ट धारा क्या होती है। दिष्ट धारा, ठीक है, दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट, ठीक है, यानी इसको क्या बोलते हैं बच्चों, डीसी, डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा। तो ऐसी धारा जिसका मान और दिशा क्या रहता है, नियत रहता है, ऐसी धारा जिसके परिमाण यानी जिसके मान और दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता समय के सापेक्ष, उसे बोलते हैं बच्चों दिष्ट धारा। और दिष्ट धारा का मतलब क्या हुआ, वह धारा जिसके मान, जिसके मान एवं दिशा में, वह धारा जिसके मान एवं दिशा में समय के सापेक्ष, कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह धारा जिसका मान है कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, दिशा में समय के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे बच्चों क्या कहते हैं, दिष्ट धारा कहते हैं, डीसी, दिष्ट धारा कहते हैं, ठीक है। तो वह धारा या वोल्टेज भी बोल सकते हैं, डीसी करंट या डीसी वोल्टेज, तो जिसके मान और दिशा में समय के साथ कोई परिवर्तन ना हो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, दिष्ट धारा। यानी इसका मतलब इसको अपन ऐसे बना सकते हैं कि जैसे मान लो कि मैंने इस तरह ग्राफ बनाया, तो ये मान लो आई है करंट, मैंने इसको डीसी लिख दिया यानी डीसी करंट है, और ये मान लो टाइम है टी, टी फॉर टाइम। तो बिल्कुल मान फिक्स है, दिशा फिक्स है, तो यहां ये मान क्या है, आई का नियत मान है, आई की वैल्यू क्या है, नियत यानी कॉन्स्टेंट है, तो सेम डायरेक्शन है, वैल्यू भी समान है, तो ये कौन सी करंट है बच्चों, डीसी करंट है, कौन सी करंट है, डीसी। तो इसे आप चाहे करंट भी बना सकते हो और हम वोल्टेज भी बोल सकते हैं, डीसी वोल्टेज है डीसी करंट, ये मान लो वी, वी फॉर डीसी वोल्टेज हो गया, ये आपका टाइम हो गया और ये कॉन्स्टेंट हो गया, तो यहां भी वोल्टेज क्या है बच्चों, कॉन्स्टेंट है, नियत है, ठीक है। तो डीसी करंट हो गया और ये क्या हो गया, डीसी वोल्टेज, दोनों ही समय के सापेक्ष क्या है, नियत है, कॉन्स्टेंट है, इनके मान में इनकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता,
उसे क्या बोलते हैं, डीसी बोलते हैं। ओके तो बच्चों ये तो बात हो गई थियोरेटिकल। प्रैक्टिकली हम देखें तो कई बार डीसी में भी कुछ फ्लक्चुएशन आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? फ्लक्चुएशन आ जाते हैं, यानी उच्चावच, उच्चावचन बोल सकते हैं, मान लो फ्लक्चुएशन में कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो अपन देखो इस तरह उनको बना सकते हैं। तो ये तो हो गई दृष्टिधारा। तो एक कंसेप्ट हम यहां भी ले सकते हैं, प्रैक्टिकली कभी कभी हम देखते हैं कुछ डिवाइसेस में, कुछ उपकरण में, तो एक करण हम ऐसे भी लिख सकते हैं, उच्चावचन वाली दृष्टिधारा, उच्चावचन दृष्टिधारा, ठीक है, ऐसे असमान दृष्टिधारा बोल देते हैं। तो डायरेक्शन में कहीं कोई परिवर्तन नहीं होगा, असमान दृष्टिधारा। तो मान लो अगर करंट हमें ऐसे मिले, देखो करंट हमें इस तरह मिलता है, ये मान लो इस तरह करंट मिलता है, तो ये आईडीसी हो गया, ये टाइम हो गया। तो ये जो करंट है आप देख रहे हैं, इसका डायरेक्शन कोई चेंज नहीं हो रहा, पॉजिटिव डायरेक्शन है, नहीं वैल्यू में थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। तो ये बच्चा उच्चावचन वाली दृष्टिधारा कहलाती है। ये ऐसे भी बन सकती है करंट थोड़े फ्लक्चुएशन, ये जो फ्लक्चुएशन आ रहे हैं यानी इस तरह जो परिवर्तन हो रहा है, ये भी क्या है, आईडीसी है। डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा, थोड़ी बहुत वैल्यू में परिवर्तन हो सकता है, थोड़े फ्लक्चुएशन आ सकते हैं, क्योंकि काफी कारण होते हैं चेंज होने के करंट के भी। तो उच्चावचन वाली दृष्टिधारा ऐसे बोलते हैं, असमान दृष्टिधारा इसको हम बोलते हैं, ठीक है। और बातें देखें दृष्टिधारा के बारे में, देखो तो ये तो डेफिनेशन हो गई कि वह धारा जिसके मान और दिशा में समय के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं होता उसे क्या बोलते हैं, दृष्टिधारा कहते हैं, क्लियर। और देखें तो दृष्टिधारा का स्रोत क्या है, हमें कहां से प्राप्त होती है दृष्टिधारा, तो इसका आंसर क्या है कि जो बैटरी से हमें धारा प्राप्त होती है वो क्या होती है, दृष्टिधारा। तो क्या लिख सकते हैं कि बैटरी से, बैटरी सेल, बैटरी से प्राप्त होने वाली धारा, दृष्टिधारा होती है। बैटरी से प्राप्त होने वाली धारा कैसी होती है, वो डीसी होती है, ठीक है, दृष्टिधारा होती है। अब देखो बच्चों, तो जिस दृष्टिधारा है, जो दृष्टिधारा है वो धारा के चुंबकीय प्रभाव पे आधारित होता है। दृष्ट धारा का जो मापन अपन करते हैं, देखो दृष्ट धारा का मापन जो है वो धारा के चुंबकीय प्रभाव, दृष्ट धारा का मापन धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है दृष्ट धारा मापन करने के लिए जो हम अमीटर काम ले रहे हैं, या दृष्ट वोल्टेज का मापन करने के लिए जो हम वोल्टमीटर काम ले रहे हैं, वो धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होते हैं, क्लियर है। और देखें अब देखो इसमें कोई चेंज तो होता नहीं है, तो दृष्ट धारा की जो आवृत्ति होती है, इंपॉर्टेंट बात है, दृष्ट धारा की जो आवृत्ति है, जो फ्रीक्वेंसी है एफ, वो क्या होती है, शून्य होती है। दृष्ट धारा की आवृत्ति क्या होती है, शून्य, अर्थात जो फ्रीक्वेंसी है एफ इज इक्वल टू वो क्या होता है, जीरो, ठीक है। क्योंकि यहां चक्कर तो लग नहीं रहा, डायरेक्ट करंट है डीसी, सेम वोल्टेज, डीसी वोल्टेज डीसी करंट, सेम वैल्यू सेम डायरेक्शन, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जीरो। फ्रीक्वेंसी जीरो होने से, जब फ्रीक्वेंसी जीरो होगी तो बताओ आवर्तकाल क्या होगा, दृष्ट धारा का जो आवर्तकाल है, आवर्तकाल का मतलब होता है कैपिटल टी इज इक्वल टू वन अपॉन एफ, जब एफ जीरो होगा तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, अनंत होता है, ठीक है। दृष्ट धारा का जो आवर्तकाल है वो क्या होता है, अनंत, यानी टी इज इक्वल टू क्या हो गया, अनंत। आवर्तकाल क्या होता है भाई, अनंत होता है, क्लियर है। फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, आवर्तकाल क्या होता है, अनंत। इसी गुण का जो उपयोग है, दृष्ट धारा का आवर्तकाल अनंत होता है, इसी का उपयोग, इस क्वालिटी, इस गुणधर्म का उपयोग ही विद्युत अपघटन प्रक्रिया में किया जाता है, ठीक है। यह गुणधर्म विद्युत अपघटन में उपयोगी होता है या काम में लिया जाता है। जो विद्युत अपघटन की क्रिया है, जो हम सेल या बैटरी की बात करें, उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो विद्युत अपघटन होता है, यह गुणधर्म विद्युत अपघटन क्रिया में उपयोगी है।
ठीक है। तो दृश्य धारा का मापन हम किससे करते हैं? अमीटर से करते हैं, जो किसमें आधारित होता है? धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। तो ये बात है हमारे बच्चों किसकी? डीसी की, दृष्ट धारा। क्या बोलेंगे इसको? दृष्ट धारा। क्लियर है? ओके, अब चलो इसी पे आते हैं। तो बच्चों दूसरे प्रकार की हमारी जो धारा है या जो अपना चैप्टर है, सेकंड नंबर जो है वो क्या है? प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, यानी अल्टरनेटिंग करंट। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? एसी। क्या बोलेंगे इसको? एसी, अल्टरनेटिंग करंट। तो प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? देखो प्रत्यावर्ती धारा नाम से स्पष्ट है, प्रत्यावर्ती यानी कम और ज्यादा होना, अल्टरनेटिंग रूप से परिवर्तित होना। तो हम क्या लिख सकते हैं इसी डेफिनेशन कि वह धारा जिसके मान एवं दिशा में समय के सापेक्ष आवृत्ति रूप से, या आवर्त रूप से लिख दूं मैं, आवर्त रूप से परिवर्तन होता है, वह धारा जिसके मान एवं दिशा में समय के सापेक्ष आवर्त रूप से परिवर्तन होता है वो क्या कहलाती है बच्चों? वो प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती शब्द का मतलब है आवृत्ति रूप से परिवर्तन हो रहा। अब अपन ग्राफ बनाएंगे जब आपको और क्लियर होगा। तो वह धारा जिसके मान एवं दिशा में समय के सापेक्ष, जो परिवर्तन है वो समय के सापेक्ष होता है, आवृत्ति रूप से परिवर्तन होता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती धारा का मतलब हुआ कि उसके मान और दिशा में क्या होना चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए। तो इनकी प्रकृति के आधार पर हम प्रत्यावर्ती धारा को लेके चले। देखिए जैसे इसमें लिख दूं प्रत्यावर्ती धारा के प्रकार, अलग अलग तरह की जो धारा होती है, प्रत्यावर्ती धारा के प्रकार, जैसे मैंने पहले लिखा त्रिकोण धारा या वर्गाकार धारा, लेता हूं पहले मैं वर्गाकार धारा, स्क्वायर करंट। केवल इनकी नेचर के आधार पर वर्गाकार धारा। तो बच्चों देखो वर्गाकार धारा जो है हमारे पास वो इस तरह चेंज होती है, देखो इस तरह, और एक पॉइंट पे यहां बना दो, एक यहां बना दो, तो इस तरह में चेंज होगा। यहां से शुरू कर रहे हैं, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल बराबर है, वर्ग स्क्वायर है। ये देखो थोड़ा टेढ़ा हो गया है, इसको हम सही करेंगे। ठीक है, अब देखिए तो ये हमारा करंट है आईएसी, ये करंट के लिए हो गया और ये टाइम के लिए हो गया, ठीक है। तो टी बराबर जीरो हो गया ये, तो ये हो गया आपका पूरा एक आवर्तकाल, ये हो गया आई नॉट, इसे मैंने बोल दिया माइनस आई नॉट, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो आप देख रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, दिशा चेंज हो रही, पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, दिशा चेंज हो रही है। दिशा में समय के सापेक्ष क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है।
अब देख रहे हैं जीरो से, कि सपोज करो हमारे पास है टी बाई टू एंड ये हो गया मान लो टी बाई फोर, यहां की बात करेंगे थ्री टी बाई फोर, ये क्या हो जाएगा बच्चों टी, ठीक है। तो टी बाई फोर, टी बाई फोर का समय अंतराल लिया मैंने, तो आप देख सकते हैं इस तरह ये स्क्वायर करंट होता है, क्या होता है स्क्वायर करंट। तो आप देख रहे हैं समय के साथ साथ, समय के साथ साथ धारा के मान में और इसकी दिशा में भी क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, परिवर्तन हो रहा है, क्लियर है, ओके। तो ये स्क्वायर करंट है, तो आप इसमें देख सकते हैं हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आप देख सकते हो देखो जीरो से टी बाई टू के बीच में अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर जो टाइम है जीरो से टी बाई टू के बीच में, जीरो हो टी बाई टू हो, जीरो से लेकर टी बाई टू के बीच में या जीरो भी और टी बाई टू शामिल है, तो यहां जो धारा की वैल्यू है यहां से लेकर यहां तक धारा की वैल्यू है आई डॉट। तो इस वाले टाइम में आई इज इक्वल टू क्या है भाई, प्लस आई डॉट। फिर आप देख रहे हैं टी बाई टू से और टी के बीच में वैल्यू क्या है, माइनस आई डॉट, यानी टाइम की जो वैल्यू है वो है टी बाई टू से किसके बीच में, टी के बीच में करंट कितना भाई, माइनस आई नॉट, करंट कितना है माइनस आई नॉट, क्लियर है, ओके। तो ये इसकी इक्वेशन हो गई एक तरीके से, क्लियर है बच्चों। तो जीरो से टी बाई टू के बीच में करंट पॉजिटिव है, आई नॉट है, और टी बाई टू से टी के बीच में करंट क्या है, नेगेटिव। तो ये होती है स्क्वायर करंट। अब देखिए पहले आई नॉट, ठीक है, यहां तक आई नॉट रहा, फिर माइनस आई नॉट हो गया, ठीक है, उसके बाद फिर ये जीरो हो गया, एक तरह से आगे चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, इस तरह करंट चेंज हो रहा है समय के सापेक्ष, क्लियर। ये होता है एक चक्कर, एक चक्कर में लिया गया समय क्या होता है, आवर्तकाल कैपिटल टी समय। तो ये है वर्गाकार धारा, क्लियर है, ओके। आगे देखते देखो दूसरी धारा में लिखता हूं, त्रिकोण धारा लिखते हैं, त्रिकोण धारा ये शेप के आधार पर है, त्रिकोण धारा ये सब प्रत्यावर्ती धारा है, त्रिकोण धारा ट्रायंगुलर करंट, ट्रायंगुलर करंट। तो इसको देख सकते हैं आप इस तरह बनाया हमने, ठीक है। तो ये मानो यहां एक पॉइंट लगा देता कि ऊपर नीचे ज्यादा नहीं हो जाए, ये हो गया आई नॉट, ये क्या हो गया माइनस आई नॉट, आई नॉट और माइनस आई नॉट, देख सकते हैं आपको दिखाई दे रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव, देखो इस तरह चेंज हो रहा है, ठीक है, आगे चलता रहेगा ऐसे ही। तो जीरो से ये हो गया हमारे पास टी बाई टू, और ये क्या हो गया बच्चों टी, और ये वाला जो टाइम है ये हो गया टी बाई फोर, टी बाई फोर टी बाई टू फोर का समय अंतराल है, और ये वाला जो टाइम है ये टाइम क्या है थ्री टी बाई फोर, थ्री टी बाई फोर, क्लियर है, और ये हमारा टाइम हो गया। तो अब देख रहे हैं जीरो पे जीरो था करंट, उसके बाद बढ़ता हुआ टी बाई फोर पे क्या हो गया मैक्सिमम हो गया, क्लियर है, ओके। उसके बाद फिर घट रहा है टी बाई टू पे, फिर जीरो हो गया, टी बाई टू पे फिर मान क्या हो गया जीरो, फिर मैक्सिमम हुआ, ये मैक्सिमम ही है, डायरेक्शन अलग अलग है, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये हमारे पास इस तरह हमने वैल्यू ली है, ये आई नॉट को शो कर रहा है और ये प्लस आई नॉट है, नीचे वाला माइनस आई नॉट है। तो आप देख रहे हैं एक चक्कर पूरा हो गया, एक चक्कर में देखो करंट मैक्सिमम, ये मैक्सिमम हुआ, फिर जीरो हो गया, देखो यहां जीरो हो गया करंट, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं जीरो, फिर मैक्सिमम हुआ, मैक्सिमम डायरेक्शन अलग अलग है, मैक्सिमम इन अपोजिट डायरेक्शन, मैक्सिमम इन अपोजिट डायरेक्शन, क्लियर है, मैक्सिमम इन अपोजिट डायरेक्शन, और फिर ये करंट दोबारा क्या हो गया जीरो हो गया। तो आप देख रहे हैं एक चक्कर में धारा दो बार तो मैक्सिमम होती है और दो बार जीरो होती है, यहां से तो शुरू करते हैं। समय के साथ साथ आप देख रहे हैं करंट एक चक्कर में, यानी हम लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट बात कि प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा एक पूर्ण चक्र में, प्रत्यावर्ती धारा एक पूर्ण चक्र में या चक्कर में दो बार अधिकतम, दो बार क्या होती है अधिकतम, एवं दो बार शून्य होती है,
ठीक है भाई, जो प्रत्यावर्ती धारा है वो एक पूर्ण चक्कर में, एक पूरे चक्कर में दो बार तो क्या होती है मैक्सिमम होती है, दो बार अधिकतम होती है, और दो बार क्या होती है बच्चों शून्य हो जाती है। क्या हो जाती है? शून्य। क्लियर है? तो ये बड़े बार ध्यान रखें, ठीक है। और भी हम करंट ले सकते हैं, देखो इसी तरह की, जैसे एक हमने लिया और यहां पर देखो वैल्यू भी लिख सकते हैं, ये त्रिकोण धारा इस तरह लिमिट हमें जो बनाई है उसको भी आप लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह हम वैल्यू लिखेंगे, देखो जीरो से टी बाई फोर के बाद में बात कर, देखो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं इक्वेशन, जब टाइम जीरो से क्या है टी बाई फोर, उस समय करंट I इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं I जीरो अपॉन टी बाई फोर इंटू टी। तो इस समय पे आप टी पे टी की वैल्यू रख के आप करंट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं आपसे कि टी को मैं जीरो रखता हूं तो करंट जीरो आ जाएगा, टी को मैं टी बाई फोर रखता हूं, टी बाई फोर से टी बाई फोर कैंसिल होगा तो आई नोट आ जाएगा। क्लियर है? तो जीरो से टी बाई फोर के बीच में जो करंट का इक्वेशन है वो क्या है, आई नोट अपॉन टी बाई फोर इंटू स्मॉल टी। ऐसे बच्चों टी बाई फोर से थ्री टी बाई फोर के बीच में चल रहा हूं, टी बाई फोर से थ्री टी बाई फोर के बीच में, टी बाई फोर से थ्री टी बाई फोर के बीच में जो करंट है आई इज इक्वल टू, अब देख रहे टी बाई फोर से टी बाई फोर से थ्री टी बाई फोर के बीच में जो करंट आप देख रहे हैं, ठीक है, जो करंट की वैल्यू आपको मिलेगी माइनस आई नोट अपॉन टी बाई फोर, आई इज इक्वल टू माइनस आई नोट अपॉन टी बाई फोर इंटू टी प्लस टू आई नोट, इसे करंट मिल जाता है आपको टी बाई फोर से थ्री टी बाई फोर के बीच में। आप देख सकते हैं अगर मान लो आप टी की जगह क्या रखोगे टी बाई फोर रखोगे, क्या रखोगे टी बाई फोर, टी की जगह टी बाई फोर रखोगे, टी बाई फोर से टी बाई फोर कैंसिल होगा, माइनस आई नोट बचेगा, माइनस आई नोट प्लस टू आई नोट, आई नोट मिल गया। तो समय का कोई सा मान भी रखकर ये इक्वेशन फॉलो हो जाएगी। क्लियर है? ऐसे बच्चों थ्री टी बाई फोर से टी की बात करूं मैं, तो थ्री टी बाई फोर से अगर मैं बात करता हूं टी के लिए, तो यहां जो हमें करंट मिलता है वो क्या मिलेगा, देखो कि आई नोट अपॉन टी बाई फोर इंटू टी माइनस का फोर आई नोट, ठीक है। तो ये इक्वेशन फॉलो होती है सभी वैल्यूज के लिए। तो आप देख रहे हैं जीरो से टी बाई फोर के बीच में करंट है I is equal to I not upon t by 4 into small t। अब 0 से t by 4 के बीच में आप कोई भी समय रख लो आपको करंट मिल जाएगा। t by 4 से 3t by 4 के बीच में जो करंट है I is equal to वो क्या है minus I not upon t by 4 into t plus 2 I not, minus I not upon t by 4 into t, ये तो सेम ही है minus ना के plus 2 I not, और ऐसे ये I not upon t by 4 into t minus का 4 I not, ये 3t by 4 से t के बीच में। ओके बच्चों ये प्रत्यावर्ती धारा हमने पढ़े, स्क्वायर करंट, त्रिकोण धारा, ट्रायंगुलर करंट, और एक रूप और पढ़ते हैं इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही हम बेसिकली काम लेंगे, उसे बोलेंगे ज्यावक्री धारा, ठीक है। देखिए तीसरा मैं इसका प्रकार ले रहा हूं बच्चों ज्यावक्री धारा, क्या ले रहा हूं ज्यावक्री धारा, साइनोसोडियल करंट, साइनोसोडियल, साइनोसोडियल करंट ज्यावक्रीय धारा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, हम इसी को काम लेंगे ज्यादा। देखिए तो ज्यावक्रीय यानी साइन का ग्राफ जैसे बनता है उसी तरह से हम बनाएंगे इसको। देखो एक लाइन यहां खींच देते हैं ताकि ऊपर नीचे बराबर बराबर पोर्शन हमें मिल जाए। तो ये प्लस का आई नॉट और इतना ही हमें नीचे लेना है माइनस का आई नॉट, ठीक है। ये हो गया हमारा टाइम। तो देखो इस तरह ज्यावक्रीय धारा इस तरह चेंज हो रहा है, साइन का ग्राफ ऐसे बनता है। तो आप देख रहे हैं ये करंट यहां पर इस समय जीरो से टी बाई फोर, टी बाई फोर पे मैक्सिमम, और ये हो गया बच्चों टी बाई टू, और ये टाइम हो गया थ्री टी बाई फोर, ये टाइम हो गया टी, ठीक है। इस तरह आगे चलता रहेगा। तो आप देख रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे आगे चलता रहेगा। तो ज्यावक्रीय धारा है आप देख सकते हैं, देखो t बराबर 0, t बाई 4, t बाई 2, 3t बाई 4 और t। तो करंट देखिए हम I इज इक्वल टू t बराबर 0 पे करंट कितना है 0, ठीक है।
टी बाई फोर में कितना है प्लस आई नॉट, टी बाई टू में फिर क्या हो गया जीरो, थ्री टी बाई फोर में कितना है माइनस आई नॉट और टी पे कितना है जीरो, ठीक है। ये हमें वैल्यू मिल चुकी है करंट की, थ्री टी बाई फोर और टी, तो जीरो पॉजिटिव जीरो नेगेटिव जीरो, क्लियर है। तो ये जहां वक्री धारा है, तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, क्लियर है। तो ज्यावक्री धारा का समीकरण है, साइन के रूप में हमने इसको लिखा है ज्यावक्री धारा, ठीक है, साइनसोरियल करंट। तो कुछ और बातें देख रहे हैं हम एसी के रूप में, प्रत्यावर्ती धारा के रूप में, देखिए मतलब आप देख रहे हैं इंडिया में, भारतवर्ष में जो हमें एसी मिलता है घरों में आता है जो, तो जिस पावर का हमें मिल रहा है वो लगभग आप देखेंगे जनरली सामान्यतया जो घर में हमारी पावर आ रही है वो 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आती है, ठीक है। अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस, इनमें 110 वोल्ट और 60 हर्ट्ज की आवृत्ति पर पावर मिलता है, ठीक है। इंडिया में ये वाला है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। अब आप देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी, मान लो 50 हर्ट्ज हम लिख रहे हैं यहां पर, एफ इज इक्वल टू कितना है 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या, ये तो होगा, यानी एक सेकंड में एक आवर्तकाल में लगाए गए चक्करों की संख्या। तो आप देख रहे हैं एक बार दो चक्कर लग रहे हैं, चक्कर तो एक ही है, दो भाग हो रहे हैं, एक आधा भाग ऊपर आधा भाग नीचे, यानी एक मैक्सिमम और एक मिनिमम। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो बल्ब है, जो अपन बल्ब काम लेते हैं घर पे, ट्यूबलाइट काम में लेते हैं, वो एक सेकंड में 100 बार तो मैक्सिमम होता है, क्योंकि देखो आप देख रहे हैं एक चक्कर में दो बार हो रहा है काम, ये तो 100 बार तो क्या हो रहा है वो मैक्सिमम यानी चमक रहा है, और 100 बार वो भुज रहा है यानी मिनिमम हो रही है करंट, क्योंकि 50 हर्ट्ज आवृत्ति है तो डबल हो गया उसका, इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई मान लो एक चक्कर एक, तो एक में दो मिल रहा है तो 50 में कितना मिलेगा 100 मिलेगा, तो 100 बार तो मैक्सिमम हो रहा है, 100 बार क्या हो रहा है मिनिमम, यानी हमारा जो बल्ब है वो एक सेकंड में 100 बार तो जलता है यानी हमें दिखाई देता है, और 100 बार क्या होता है भुजता है, लेकिन आपको हमेशा वो दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत जल्दी होता है, प्रकाश के वेग से करंट फ्लो हो रही है, तो हमारी जो आंख है कोई भी दो घटना को अलग अलग तभी देख पाएगी जब उनके मध्य समय अंतराल कम से कम कितना हो 1/10 सेकंड हो। कोई भी दो घटना हो रही है अगर उनके मध्य समय अंतराल कम से कम 1/10 सेकंड है तो ही हम उसको अलग अलग घटना के रूप में देख सकते हैं, लेकिन ये जो प्रोसेस है जलना भुजना इतनी जल्दी होता है, इससे बहुत कम समय में होता है, तो हमारी आंख उसको नहीं देख पाती और हमें हमेशा कैसा दिखाई देता है वो जलता हुआ ही दिखाई देता है, ठीक है। तो ये 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर हमें करंट मिलता है। और बात देखें इसमें हम देखो जो एसी है, एसी करंट जो है, एसी धारा जो है, इसका जो मापन करते हैं, इसका मापन करने वाला जो अमीटर होता है उसे बोलते हैं तप्त तार अमीटर। क्या बोलते हैं? तप्त तार अमीटर। और ये बच्चों धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है, धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित। ठीक है, एसी प्रत्यावर्ती धारा का मापन करने के लिए जो हम काम लेते हैं वो तप्त तार मीटर होता है, और वो किसमें आधारित होता है? धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। ठीक है, आप देखोगे इनका जो स्केल होता है, स्केल में क्या होता है, जो भाग होते हैं वो असमान दूरी पर होते हैं, आप ऐसे पहचान सकते हो, जो भाग बने होते हैं वो कैसे होते हैं, असमान दूरी पर। और डीसी वाले उपकरण में जो पैमाना होता है, स्केल होता है, उसमें जो भाग बने होते हैं वो समान दूरी पर होते हैं। ठीक है, तो डीसी वाले जो उपकरण है वो तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होते हैं,
चुंबकीय प्रभाव पर आधारित। ठीक है, और एसी किसमें आधारित होता है भाई, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। तो ये बात हमारी एसी की, क्लियर है बच्चों। फ्रीक्वेंसी आप जानते हो, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/T। क्लियर, तो आज के लिए इतना ही, कुछ बेसिक बातें हमने करी, नेक्स्ट अगली वीडियो में। थैंक यू।